आज डोसा सांभर और डोसा की रेसिपी। ये हमारा इंस्टेंट डोसा, ये ट्रेडिशनल डोसा की तरह नहीं है, जो जिसको क्या बोलते हैं 6-7 घंटे को भिगोया जाए और फिर 12 घंटे को फर्मेंटेशन की लिए रखा जाए। तो ये इंस्टेंट डोसा है। डोसा ये जो है हमें तुरंत बना लिया जाए, हमें इसको पहले से प्लानिंग करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये है हमारे 1.5 कप चावल, जिसको हमने पहले से भिगो दिया है और ये 20-25 मिनट के लिए भिगोने हैं। और ये है हमारी उड़द की दाल धुली हुई, इसको और इसमें हमने डाल दिए हैं 1 चम्मच मेथी दाना। तो हमने ये भिगो के रख देंगे 20 मिनट के लिए। तब तक के लिए हम चलो तैयार करते हैं मसाला डोसा के लिए आलू। बहुत बढ़िया है। इसमें कितने लेबर लगे हैं इसमें? अरे भैया स्टॉप बना लेंगे थोड़ा सा तेल। तेल गरम करेंगे, स्टॉप कर देना। तेल हम आधा आगे से देख लेते हैं, गरम हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा, अब इसमें डालेंगे हरी मिर्च, प्याज, डालेंगे टमाटर। और जो लोग प्याज नहीं खाते हैं वो हटा सकते हैं प्याज। बोलो। स्वाद अनुसार नमक डाला गया है। मिक्स किया जा रहा है आलू को, ये मसाला डोसा के लिए है। अच्छे से इसको फोड़ लेंगे ताकि बड़े बड़े पीस ना रहे आलू के, क्योंकि हमें ना मसाला डोसा के अंदर डालना है। हम बनाने जा रहे हैं मसाला इंस्टेंट मसाला डोसा का बैटर। तो ये हमारे भीगे हुए चावल हैं, इसको 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनको पानी के बिना जार में पीसेंगे। पहले पानी की हम पानी हम बाद में डालेंगे अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो। बस खत्म कर दो। इसको नहीं चलेगी, इसको अब हम इसे खोल के चेक करते हैं कि बैटर कैसा बना है। देखिए बैटर, अब हम पीसेंगे दाल, तो हम दाल भी इसी के साथ ही पीस लेते हैं। हर एक चीज नहीं पड़ेगी। डोसा का बैटर ऐसे ही होना चाहिए, पोरिंग ना ज्यादा गाढ़ा ना ज्यादा बहुत पतला। पानी डालेंगे और इसको चला लेंगे। ये बचा हुआ जो है दाल वो भी इसमें डाल दो। ये बैटर इसे हम अच्छे से चला लेते हैं, जिससे कि दाल और चावल अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, मिर्च, दही डालेंगे। ये दही जो है फर्मेंटेशन के लिए डाला जा रहा है। अब हम इसमें दही और नमक को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच डालेंगे ऑयल, इससे कि डोसे में जो है क्रिस्पीनेस आएगी। और हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसे ढक के रख देंगे। तब तक हम बनाते हैं कोकोनट की चटनी। कोकोनट की चटनी तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे, मैंने 2 चम्मच, हम डालेंगे इसमें मूंगफली के दाने 2 चम्मच,
और अब हम इसमें डालेंगे, इसमें हम डालेंगे गोला कोकोनट 2 चम्मच, मेरे पास इतना था उतना मैंने डाल दिया, और इसमें हम डाल देंगे 2 हरी मिर्च, और इसमें हम डालेंगे नींबू भी डाल सकते हैं, नींबू नहीं है तो हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी इमली का पल्प डाल देंगे। पहली चार इसे पीस लेंगे। कोकोनट की चटनी, चटनी का तड़का लगाएंगे। ये हम तेल ले लेते हैं, 1 चम्मच राई, देखिए हमारी चटनी कितनी सुंदर लग रही है। चल रहा ये है, अब हम रख देंगे नॉनस्टिक तवा, और इस पे हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा पानी डालेंगे, और अब इसको पोंछ लेंगे अच्छे से। हम इसे ठंडे तवे पर ही बनाएंगे, गरम तवे पर नहीं डालेंगे। ये तो बिल्कुल बाजार जैसा डोसा बनना है। नीचे से ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें रखेंगे आलू। डोसा तैयार है। वाह, आइए टेस्ट करते हैं इसे। ये तैयार है डोसा और कोकोनट चटनी, सांभर तैयार होगा। अभी हमारा ये डोसा देखिए कितना क्रिस्पी है, ये ऐसा ही बनना चाहिए। अरे पॉज जी, टेस्ट करके बताओ। हम इसका टेस्ट कर रही हूँ, वाओ यम्मी। जी मैं आ गई, कितना स्वादिष्ट है। वाह क्या तुम्हारी चटनी है, बिल्कुल बाजार जैसा।